बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है शादी के लिए सूरह मुज़म्मिल का अमल। इस वीडियो में हम सूरह मुज़म्मिल के रूहानी फैज़ो बरकात का तज़किरा उन साइलीन के लिए कर रहे हैं जिनकी शादी में रुकावट है, या ऐसे लड़के लड़कियां जो पसंद की शादी करना चाहते हैं लेकिन उसमें रुकावटें हायल हो जाती हैं। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सूरह मुज़म्मिल की शानो बरकात को अल्फाज में बयान करना बेहद मुश्किल अमर है। अरसा दराज से हम सूरह मुज़म्मिल की रूहानी बरकतों का मुशाहिदा करते आ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात ने सूरह मुज़म्मिल की तलावत में क्या फैज़ छुपा रखा है, ये सिर्फ़ इल्म वाले ही जानते हैं। हमारे रूहानी माहरीन ने सूरह मुज़म्मिल के फैज़ का मुशाहिदा करने के लिए 5 ऐसे अफराद मुंतखब फरमाए जिनकी शादी में रुकावट थी। सबसे पहले फ़र्द को उन्होंने बादस नमाज फ़जर सूरह मुज़म्मिल तलावत करने का अमर लगाया, जिसकी मुद्दत 21 दिन थी। दूसरे फ़र्द को हर नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल तलावत करने का अमर लगाया और इस अमल की मुद्दत 27 दिन थी। तीसरे फ़र्द को कहा गया कि बरोज़ जुमा बाकायदा गुसल करे और बादस नमाज जुमा सूरह मुज़म्मिल का नक्श मुश्क को ज़ाफ़रान से तहरीर करे, और फिर रोज़ाना कम अज़ कम एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तलावत करके नक्श पर फूंक मारे। इस अमल की मुद्दत 14 दिन थी। चौथे फ़र्द को ये अमर लगाया गया कि नक्श सूरह मुज़म्मिल नौचंदी जुमेरात को एक सफ़ेद कागज़ पर तहरीर करे और फिर इसमें आज़म सुबहान अल्लाह या वदूदू 218 मरतबा रोज़ाना तलावत करके नक्श पर फूंक मारे, और इस अमल की मुद्दत 41 दिन थी। पांचवें फ़र्द को ये कहा गया कि सूरह मुज़म्मिल रोज़ाना 3 मरतबा ख़ुद तलावत करे और दूसरों को भी इसकी तलावत करने की ताकीद करे, और इस अमल की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। उन तमाम अफराद को 41 दिन के बाद राबता करने की ताकीद की गई। बुज़ुर्गों का कहना है कि ये 5 ऐसे अफराद थे जिन्होंने शादी में हायल रुकावट को दूर करने के लिए बहुत से रूहानी अमल किए, लेकिन रुकावट थी कि बढ़ती ही जा रही थी। हमारे रूहानी माहरीन फरमाते हैं कि सूरह मुज़म्मिल का ये रूहानी अमल मुख्तलिफ अफराद से करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि हमें ये तस्दीक हो जाए कि जिस साइल की शादी में रुकावट हो तो उसे फौरी तौर पर दूर करने के लिए कौन सा रूहानी अमल बताया जाए। ज़ाहिर है कि माहरीन रूहानियात सिर्फ़ मसले का हल तलाश करते हैं और फैज़ अता करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक ताला ही की ज़ात है। हमारे रूहानी माहरीन फरमाते हैं कि 41 रोज़ का सूरह मुज़म्मिल का वो रूहानी अमल किस तरह के रूहानी असरात मुरतब करेगा, उसका उन्हें कुछ अंदाज़ा ना था, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात जानती है। इसलिए उन्होंने 41 दिन तक इंतज़ार किया और फिर उन तमाम अफराद से हालात दरियाफ्त किए। सबसे पहला फ़र्द जिसे सूरह मुज़म्मिल बादस नमाज़े फ़जर तलावत करने का अमर लगाया गया, उसने अपना मुशाहिदा इन अल्फाज में बयान किया। मैं नमाज़े फ़जर अदा करने के बाद सूरह मुज़म्मिल को तलावत कर लेता था। पहले ही दिन से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे दुनिया की कोई परेशानी ना हो। मेरा सारा दिन खुशो खुरम गुज़रा। मैं बहुत खुश था कि सूरह मुज़म्मिल की तलावत में वाकई बहुत असर है। एक हफ़्ता तलावत करने के बाद मेरे जहन में वसवसे, शको शुबहात और गुनाह करने के ख्यालात आने लगे। मैंने खुद को बहुत रोका कि मैं इन शैतानी ख्यालात को झटक दूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। खैर, मेरे जहन में आया कि मैं सूरह मुज़म्मिल की एक बार फिर तलावत करूँ, जबकि मैं उस दिन सूरह मुज़म्मिल की तलावत का अमल पूरा कर चुका था। मैंने कोशिश करके वज़ू किया और तलावत शुरू कर दी, और उसी तलावत के दौरान मेरा दिमाग बेहद पुरसकून हो गया। तमाम शको शुबहात, गुनाह के ख्यालात और वहम सब ख़त्म हो गए, और उसी दिन शाम को मेरा रिश्ता तय होने की बात बनती नज़र आई। मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह की ज़ात शायद इंसान को फैज़ अता करने से पहले उसके ईमान का इम्तहान लेती है। दूसरे फ़र्द ने अपना मुशाहिदा इन अल्फाज में बयान किया कि मैंने बुज़ुर्गों के हुक्म के मुताबिक हर नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल की तलावत की, और ठीक 3 दिन के बाद मेरी उसी खाला का फ़ोन आया
जिसकी बेटी के साथ मेरी पसंद की शादी होने वाली थी, यानी अभी सिर्फ मंगनी हुई थी, लेकिन खाला ने बेबुनियाद बातों की बिना पर मंगनी तोड़ दी थी। अब वो शर्मिंदा भी थी और शादी के लिए रजामंद भी। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपने पाक कलाम के सदक़े में मेरी मदद फरमाई, और मैं बहुत हैरान हूँ, यकीन नहीं होता कि इतना अरसा कोशिश करने और तड़पने के बावजूद मेरी पसंद की शादी में हायल रुकावट इतनी जल्दी सिर्फ़ एक आसान से अमल से कैसे ख़त्म हो गई। तीसरे फ़र्द को बरोज़ जुमा सूरह मुज़म्मिल का नक्श तैयार करके सूरह मुज़म्मिल एक बार तलावत करके फूंक मारने का अमर लगाया गया था। उसके ये अल्फाज थे कि मुझे किसी आमिल ने बताया कि तुम्हारी शादी में बंदिश है, जब तक बंदिश ख़त्म ना हो शादी नहीं होगी। मैंने बहुत जतन किए कि किसी तरह रिश्ते की बंदिश का तोड़ हो जाए, बहुत दुआएँ और वज़ाइफ किए, हत्ता कि मुझे मायूसी होने लगी, लेकिन मैंने फिर भी दुआ का दामन नहीं छोड़ा। अब सिर्फ ये सोचकर सूरह मुज़म्मिल का ये अमल भी कर डाला कि शायद मेरी दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह की ज़ात ने इसी अमल को वसीला बनाया हो। मैं ज़िंदगी में इतना हैरान कभी नहीं हुआ जितना इस सूरत का फैज़ देखकर हुआ हूँ। मैं तो रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल की तलावत करके नक्श पर बस फूंक मारता था कि एक रात मैं सोया और मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी शादी हो रही है। सुबह आंख खुली तो पता चला कि ये सिर्फ ख्वाब ही था। मैं अमल करता रहा और ठीक 7 दिन के बाद मेरी मंगनी मेरी एक कज़न से तय पाने के लिए इसी माह की 28 तारीख फाइनल हो गई है, और खुदा का शुक्र गुज़ार हूँ कि मेरी दुआ कबूल हुई। चौथा फ़र्द जिसे नौचंदी जुमेरात को नक्श सूरह मुज़म्मिल तैयार करके सुबहान अल्लाह या वदूदो 218 मरतबा तलावत करके दम करने का अमर लगाया गया, उसने कहा कि मैंने सूरह मुज़म्मिल का नक्श तैयार करके उसे अपने घर में लगा दिया और ज़िक्र इसमें आज़म की तलावत करने लगा। अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि मेरे साथ मेरी छोटी बहन के लिए भी रिश्ते आना शुरू हो गए। हम सब हैरत में पड़ गए कि ये कैसे मुमकिन हो गया, लेकिन 2 दिन गुजरे तो फिर रिश्ते आना बंद हो गए। फिर सबके चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन मैंने अमल में नागा ना किया, पूरे यकीन से अमल करता रहा। 30 दिन गुजरने के बाद मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी की बात फाइनल हो गई है, बेशक अल्लाह ही दुआओं का कबूल करने वाला है। 5वां फ़र्द जिसे सूरह मुज़म्मिल की तलावत करने और दूसरों से करवाने की ताकीद की गई, उसने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से मैं इन 41 दिनों में 32 अफराद से सूरह मुज़म्मिल तलावत करवा चुका हूँ, जिसके इनाम में मुझे वो अता हुआ जो शायद कभी मेरी किस्मत में ना होता। जिस दिन से मैंने दूसरों को सूरह मुज़म्मिल की तलावत करने की ताकीद की, उसी दिन से मेरी अपनी दुआएं कबूल हो रही हैं। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन ये मेरा वहम नहीं बल्कि ये सूरह मुज़म्मिल का कमाल है। मेरे रब ने मेरी दुआ इतनी आसानी से सुननी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा हूँ। जिन दिनों मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सूरह मुज़म्मिल की तलावत करने की दरख्वास्त कर रहा था, उस दिन से ना मुझे रिस्क की तंगी है और ना ही कोई और परेशानी। रब से जो मांग रहा हूँ मिल रहा है। अब डर है कि कहीं ये फैज़ ख़त्म ना हो जाए। नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल के बेहद रूहानी फ़ज़ाइल का मुशाहिदा कर लेने के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने नक्श सूरह मुज़म्मिल तहरीर करके हमारे रूहानी सेंटर के 1,00,000 मेंबरान में तकसीम फरमा दिया। फिर उन तमाम मेंबरान को अपने अपने नक्श पर कम अज़ कम 1100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल तलावत करके दम करने का अमर लगाया गया। उसके बाद उन 1,00,000 नकूश को फिर से हमारे रूहानी सेंटर में वापस मंगवा लिया गया। हमारे रूहानी माहरीन ने उन 1,00,000 नकूश का फैज़ जारी करने के लिए खसूसी रूहानी मराकबात अदा किए, जिससे उन 1,00,000 नकूश का ऐसा फैज़ जारी हुआ कि जिसने अल्लाह के हुक्म से रहमतों के दरवाज़े खोल दिए। अगर आपको नक्श सूरह मुज़म्मिल ख़ुद तैयार करने में दुश्वारी हो, तो आप सूरह मुज़म्मिल के उन 1,00,000 नकूश में से नक्श हमारे रूहानी सेंटर से बतौर हदिया हासिल कर सकते हैं। अगर आप उस नक्श का हदिया रुपए पैसे की सूरत में अदा नहीं कर सकते, तो यही नक्श वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप नक्श हासिल करने की मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं,
तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर मर्द हजरात हसनैन साहब से 0306511124 पर और ख़वातीन सैयदा बहन से 0321797089 पर रابطہ कायम करें। नाजरीन, हमारा अज़्म कुल इंसानियत के दिल में अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत बेदार करना है और इस अज़्म को पाया तकमील तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। हमारे रूहानी सेंटर के तमाम बुज़ुर्ग कुल इंसानियत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े में आपको ऐसा कामिल ईमान अता फ़रमाएँ कि आप भी सूरह मुज़म्मिल के बेशबहा रूहानी फैज़ को पा सकें। आमीन सुमामीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।